हिस्ट्री के ऐसे दो वर्ड जिनका साथ आज तक नहीं छूटा है, स्कैम और वीआईटी। अगर तुम यूट्यूब पे स्क्रॉल करके देखोगे ना, लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, तुम्हें वीआईटी का जब भी रिजल्ट आता है तुम्हें वीडियो दिख जाएगी, वीआईटी 2021 रिजल्ट स्कैम, वीआईटी 2020 रिजल्ट स्कैम, वीआईटी 2019 रिजल्ट स्कैम। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आज तक वीआईटी ने इस पर कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है। इसका कारण है, वो जान रहे हैं बच्चे तो आएंगे ही, और बच्चे हम जैसे चाह रहे हैं वैसे आएंगे, तो आज तक इस बात पे लोड नहीं पड़ा है। और इसकी परेशानी सबसे ज़्यादा होती है बच्चों को, पेरेंट्स को, और साथ ही साथ हम जैसे छोटे मोटे जानकारों को, काउंसलर को, टीचर को। तो हेलो हीरोज, मैं विशाल ड्रोलिया आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइफ ड्रोलिया पे। तो वीआईटी का जब भी रिजल्ट आता है काफ़ी कंफ्यूजन होती है, और काफ़ी ये हल्ला उठता है कि भैया ऐसा कैसा रिजल्ट आ गया, इन अदर एग्जामिनेशन वी आर गेटिंग 5,000-3,000 रैंक एंड वीआईटी वी आर इवन गेटिंग 30,000-40,000 रैंक्स। सो देयर कैन नॉट बी सो मच डिफरेंस इन बिटवीन देयर रैंक्स। अगर मैं मणिपाल की बात करूं, मैं वीआईटी की बात करूं, पेपर का लेवल जो है लगभग एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो जो बच्चा मणिपाल में 3,000-4,000 रैंक ला रहा है, वीआईटी में वो कैसे 30,000-35,000 रैंक ला सकता है? और हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि आपका जो सिस्टम है सही है, कोई स्कैम नहीं है, चलो हम इस बात को भी मान लेते हैं, तो आपने अभी तक बच्चों के साथ ये सर्कुलेट क्यों नहीं जारी किया, या आपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे क्यों नहीं, मतलब एक जारी कर देते हो आप, कि जिसमें हमें क्या है ये पता चल जाए कि आपका जो रिजल्ट कैलकुलेट करने का या रैंक बनाने का जो सिस्टम है, वो कौन सा मेथड आप अप्लाई करते हो कि जिसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनका रैंक इतना हाई आ रहा है, और बहुत ही कम बच्चों का रैंक क्या है विद इन द रेंज आ रहा है जो कि वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, थोड़ा सा इस वीडियो को मैं थोड़ा सा कहो तो सच्चाई की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, बाकी ये सभी चीज़ें हो या ना हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीआईटी से कि आप कम से कम ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दीजिए, या यूट्यूब पे आप अपने ऑफिशियल चैनल पर डाल दीजिए कि किस प्रकार से रैंक आपके यहाँ कैलकुलेट हो रही है, ताकि बच्चे और हम लोग परेशान ना हों। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वीआईटी में जो कैटेगरी सिस्टम है, तुम देखोगे जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम कैटेगरी जा रहे हैं, 1, 2, 3, जैसे जैसे कैटेगरी में नीचे जा रहे हैं, फ़ी बढ़ रही है, फ़ी बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं। आपको पता है अगर कैटेगरी 1 में 50 सीट है सीएस की, तो कैटेगरी 5 में 200 सीट्स हैं। तो अब सीट्स भी तो भरने हैं, बच्चे भी तो लाने हैं, सभी को कम फी में पढ़ा देंगे तो फिर कहाँ से आएगा? तो हर एक कैलकुलेशन लगा के प्राइवेट कॉलेज क्या है, मेनली अर्निंग के लिए होते हैं, और वो उसी के दम पे फिर क्या है, आपके लिए ही बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाते हैं। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां आती हैं उनमें भी खर्चा लगता है, उसमें भी उनका एक्सपेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाओ, हम लोग आपके साथ हैं। साथ ही साथ कमेंट करके हर लोग बताएं जिनको अपने रैंक कार्ड में या मार्क्स में बहुत ज़्यादा धांधली लग रही है। आपको थोड़ा बहुत 5, 10, 15 नंबर्स का है तो उसको इग्नोर करो, लेकिन आपने सोचा आम और मिल गया कटहल, ऐसी वाली बात है, तो कमेंट जरूर करें। और किसी टाइप की आपका आपको सपोर्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना